हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के वेदांता फील्ड हॉस्पिटल की समयावधि पूर्ण हटाना किया शुरू। तीसरी लहर की आशंका के बीच फील्ड हॉस्पिटल को हटाना बना चर्चा का विषय। वैश्विक कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जहां पूरे देश में तांडव मचा रखा था, वहीं सरहदी बाड़मेर जिले में भी इसने हालात खराब कर रखे थे। बेड और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन व जिला प्रशासन के प्रयासों से जिले में कार्यरत तेल उत्खनन कंपनी केरन वेदांता ने युद्ध स्तर पर स्थानीय हाई स्कूल मैदान में अस्थायी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल तैयार कर आमजन को राहत पहुंचाई। करीब 7 महीने तक आमजन की सेवा करने के बाद इस अस्पताल की समयावधि पूर्ण होने के बाद इसे बंद कर दिया गया है। सोमवार से इस अस्थायी अस्पताल को हाई स्कूल मैदान से हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 जून 2021 को केरन वेदांता लिमिटेड द्वारा करीब 6 करोड़ की लागत से सीनियर सेकेंडरी विद्यालय स्टेशन रोड बाड़मेर परिसर में निर्मित 100 बेड व 20 आईसीयू बेड के फील्ड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया था। ये अस्थायी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, जिसके सक्रिय होने से जिला चिकित्सालय से सभी कोरोना रोगियों को यहाँ स्थानांतरित करने से सामान्य रोगियों का उपचार संभव हुआ। अब अवधि पूर्ण होने के पश्चात इसे हटाया जा रहा है। वर्तमान में तीसरी लहर के बीच इसे हटाने को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। केरन वेदांता के महाप्रबंधक अयोध्या प्रसाद गौड़ ने बताया कि इसमें लगे उपकरणों और संसाधनों को जिला अस्पताल को समर्पित किया जाएगा, ताकि बाड़मेर के चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ बनाया जा सके। गौड़ ने कहा कि केरन वेदांता हर परिस्थिति में बाड़मेर की जनता के साथ हमेशा खड़ी है। पीएमओ डा बी एल मंसूरिया ने बताया कि वेदांता फील्ड हॉस्पिटल में कोविड के 273 मरीजों व डेंगू मलेरिया के 858 मरीजों का इलाज किया गया। इनका अग्रीमेंट 30 नवंबर तक का था, एक महीना अतिरिक्त चला दिया। कोविड की दूसरी लहर के बीच बाड़मेर के लोगों के लिए संजीवनी बने इस केरन वेदांता फील्ड हॉस्पिटल को तीसरी लहर की आशंका के मध्य हटाना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बात करने पर बताया कि समयावधि आगे बढ़ाने व इसकी आवश्यकता को लेकर केरन वेदांता के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। वही विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि सरकार ने 90 बेड अस्पताल बनाने के लिए करीब 6 करोड़ की स्वीकृति दे दी है, जो महीने भर में तैयार हो जाएगा। वेदांता फील्ड हॉस्पिटल की आवश्यकता को लेकर प्रशासन व केरन के अधिकारियों से बात कर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 जून 2021 को केरन वेदांता लिमिटेड द्वारा करीब 6 करोड़ की लागत से सीनियर सेकेंडरी विद्यालय स्टेशन रोड बाड़मेर परिसर में निर्मित 100 बेड के फील्ड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया था। ये अस्थायी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, जिसके सक्रिय होने से जिला चिकित्सालय से सभी कोरोना रोगियों को यहाँ स्थानांतरित करने से सामान्य रोगियों का उपचार संभव हुआ। अब अवधि पूर्ण होने के पश्चात इसमें लगे उपकरणों और संसाधनों को जिला अस्पताल को समर्पित किया जाएगा, ताकि बाड़मेर के चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ बनाया जा सके। ये 4 जून को शुरू किया था इसको। 273 मरीज कोविड के वहाँ पे भर्ती किए गए थे और 858 मरीज अभी जो सीजनल डिजीज के मौसम में जो है डेंगू के और मलेरिया के भर्ती किए गए थे। कोविड में तो जब चालू हुआ था पेशेंट डिक्रीज होने शुरू हो गए थे, तो 273 पेशेंट ही वहाँ भर्ती हो पाए। डेंगू वाले सीजनल डिजीज़ के टाइम में काफ़ी अच्छा काम किया था कि वहाँ पे काफ़ी मरीज करीब 800 मरीज वहाँ पे ट्रीट किए। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।